इंदौर शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बार चोरों ने इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक मोबाइल व्यापारी को अपना निशाना बनाया है, जहां चोरों ने दुकान के ताले नहीं तोड़े, दुकान की दीवार को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और लाखों का माल ले उड़े। शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस बार चोरों ने इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के देवासनागा स्थित मोबाइल दुकान पर हाथ साफ किया है। फरियादी अजय राठौर के अनुसार चोर द्वारा उनकी दुकान पर पीछे की दीवार में छेद कर प्रवेश किया गया और नकदी के साथ एंड्रॉइड और कीपैड फोन उड़ा ले गए। हालांकि पूरी घटना के बाद दीवार है और गली है, ऑफ हो गया था कैमरा उसके। इधर फरियादी अजय राठौर का कहना है कि चोरी की घटना 1 तारीख की रात की हुई है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके कारण यह कल दर्ज की गई। फिलहाल लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। मैं 1 तारीख को जब मैं यहां से बंद करके गया था शॉप, तो 10:15 के समथिंग यहां से मैं गया, और जब 2 तारीख को सुबह आया मैं 10:30 के समथिंग, तो मैंने अपना शटर ओपन किया तो पीछे से मेरे को छेद मिला था दीवार में, ठीक है। तो मैंने देखा, फिर मैं मामा की शॉप है सामने वाली, उनको बुलाया, फिर उनको बताया, फिर 100 नंबर को इन्फॉर्म करा, वो आके वो फिर उनने बोला कि एक काम थाने में इसकी वो दे दो सूचना। डेढ़ से 2 लाख रुपए समथिंग का माल है, 9 एंड्रॉइड फ़ोन थे मेरे, 16 कीपैड फ़ोन थे, एक 2 TB की हार्ड डिस्क थी और 3 वायरलेस ब्लूटूथ थे और 17 से 18 हज़ार रुपये कैश था मेरे गले में। ताला टूटे हुए थे दुकान के? नहीं, नीचे से वॉल तोड़ी हुई थी। पूरी वॉल तोड़ी? नहीं, छेद बनाया गया था वॉल में से। हाँ, CCTV या कुछ आपने? नहीं, CCTV है मेरे पास फुटेज। चोरी करते आ रहे आरोपी? हाँ, कितने आरोपी CCTV? उसमें तो 2 ही आए। 2 आरोपी? हाँ, एक तारीख की रात के 2 बजे के अप्रोक्स CCTV के। पुलिस को बहुत समय बाद शिकायत की? वो ATI साहब मिल नहीं रहे थे।